पीथमपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष पिंटू जायसवाल के भाजपा में जाने की चर्चा के बीच मंगलवार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की आयसर चौराहे के पास कांग्रेस कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ और युवा कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी की निगाहें नए शहर अध्यक्ष पर थी, लेकिन अभी भी किसी का नाम तय नहीं हो पाया है। बैठक में शहर कांग्रेस के लिए हेमंत हिलोरे, नाथू थोराज, लक्ष्मी नारायण असोलिया, विनोद पवार, गजानंद पथारिया और पप्पू असोलिया का नाम आया है। कांग्रेस पदाधिकारियों की माने तो जिला कांग्रेस की टीम एक सर्वे कराएगी, जिसके बाद नाम तय किया जाएगा। बैठक की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर की गई। इसके बाद कांग्रेसियों को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम ने कहा कि पिंटू जायसवाल ने पद छोड़ा है, पार्टी से नहीं। हालांकि उनका बैठक में नहीं आना चर्चा का कारण बना रहा। उन्होंने कहा कि शहर कांग्रेस के नए पदाधिकारियों की नियुक्ति जल्दी की जाएगी। पीथमपुर से संजय सुनगरा की रिपोर्ट। आप अभी राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों में देख रहे थे कि आपके जो शहर कांग्रेस अध्यक्ष है वो कहीं ना कहीं बीजेपी में सम्मिलित होने जा रहे थे, तो आज क्या निर्णय हुआ है उनके पक्ष में हुआ कि क्या आपने निर्णय किया? तो आज हमने मीटिंग इसलिए बुलाई है, पिंटू जायसवाल जी ने अध्यक्ष पद के रहने में अस्वस्थता व्यक्त की है और उन्होंने मीमका महाराज से भी 4 बजे कहा है मैं कांग्रेस में ही रहूंगा और साधारण कार्यकर्ता के तौर पर काम करूंगा, लेकिन अध्यक्ष पद में अब नहीं संभाल पाऊंगा। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो, तो इसीलिए हमने मीटिंग बुलाई है और आज 4 नाम आए हैं, उस पर और भी नाम आ सकते हैं। उस पर हम वरिष्ठ लोगों से, हमारे नीम झा जी हैं, मुझे भाई हैं और जो भी हमारे लोग हैं, उन सबसे चर्चा करके और एक नाम तय करेंगे। सब लोग आपके राजनीतिक करियर में कहीं ना कहीं आप बीजेपी से जो है हमेशा लोहा लेते आए और आज एक आपका कार्यकर्ता जो है बीजेपी में जाने की तैयारी में है, तो आपने सिर्फ उसको जो है एक प्रलोभन देकर या संभावना देकर छोड़ दिया, क्या इसको निष्कासन नहीं करना चाहिए पार्टी से? जब वो मुझसे खुद कह रहा है कि मैं साधारण कार्यकर्ता पर काम करूंगा, मेरी जितनी बार बात हुई बोला नहीं भैया मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, वो भी अपने परिवार का सदस्य भटक गया हो, लेकिन मुझसे तो बोल रहा है उस सदस्य की मैं भाई आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, तो मैं तो जो बोला उसकी बात पर भरोसा करूंगा, ना कि अफवाह पर करूंगा भरोसा। सर राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि सिंधिया जी के सामने वो भाजपा ज्वाइन कर लेंगे, क्या चल रहा है? मुझे इतना भरोसा है कि वो कहीं जाएगा, हमारे साथ रहेगा, कांग्रेस पार्टी के साथ रहेगा, वो हमारा परिवार का सदस्य है, वो कहीं भटका हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है वो नहीं जाएगा। ऐसे किस नाम पर आप जो है मंथन कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कांग्रेस में जो है कोई भी अगर आवाज उठाता है तो बीजेपी कहीं ना कहीं अपने सत्ता पक्ष का बल प्रयोग करके उसे किसी ना किसी तरह या तो उसमें मुकदमे या तो अन्य तरह दबाव बनाती है, क्या शहर कांग्रेस की जो भूमिका रहेगी पीथमपुर में वो किस तरह आप देखते हैं, कैसा आप बोलेंगे? हम इस प्रकार से 4 नाम आए हैं, उसमें से हम तय करें किसको करना है। वो भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीति से वो डरने वाले नहीं है, उसका हम डट के मुकाबला करेंगे और अगर उसने हमारे कार्यकर्ता को भाजपा के लोगों का झूठा मुकदमा डाला तो ये सीट बजा देंगे हम भारतीय जनता पार्टी। आप कोई गुटबाजी यहाँ देखने को मिलेगी आगे या ये सब गुटबाजियाँ बंद हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग उमंग सिंगार, बुंदेला गुट, ये सब माना जाता है, एक आपका गुट अलग है, तो क्या ये एक गुट एक साथ आएंगे शहर कांग्रेस बनने के बाद? हमारे यहाँ पर एक सिस्टम कर रखा था कमलनाथ जी ने, जिसकी विधानसभा है वहाँ कोई गुट नहीं, जैसे धार विधानसभा हमारी है तो सिर्फ हमारे ही सुनते हैं और अन्य जो जागरूकों की है उनकी सुनते हैं, सिर्फ ये कहने को कि भारतीय जनता पार्टी थम फैलाते हैं कि फला हमारा साथ है, चिंता हमारे साथ है। मैं कहता हूँ हमारे में, हमारे धार विधानसभा में कोई गुटबाजी नहीं है, सिर्फ अगर गुटबाजी है सिर्फ कांग्रेस की पंजे की गुटबाजी की, एक गुटबाजी कोई गुटबाजी नहीं। सवाल जायसवाल के मामले ऐसा लग रहा है कि राजवर्धन छत्तीसगढ़ जो बदलाव के विधायक और मंत्री हैं उनके द्वारा वो बीजेपी में जाने का करीब करीब पहले हो चुका है, मैं इस बात पर भरोसा नहीं कहीं कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की इसमें कूटनीति है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हमको भ्रमित कर रही है, जनता को भ्रमित कर रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भ्रमित कर रही है, और क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज ही 4 बजे वो नीमखेड़ा महाराज के घर गए थे, वहां जाकर के बोल के आए कि मैं अध्यक्ष पद नहीं संभाल पाऊंगा, आप किसी को बना दीजिए और मैं साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा, या आज ही कहा है तो मैं कैसे मानूं कि राजवर्धन कहने पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, मैं कैसे मानूं? सर आज आई नहीं वो, आज सभा में आई भी नहीं वो, कारण क्या था? सभा में नहीं आने को कोई कोई कारण तो नहीं था, लेकिन वो नहीं आए तो पूछूंगा उनसे क्यों नहीं आए भाई। ये तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि ये बीजेपी जो ले जाने का कार्य कर रही है, आपका जो द्वंद्व युद्ध चल रहा था चंदन सिंह से वो कहीं ना कहीं उतारा जाएगा या बीजेपी में लेने के बाद ये कार्य होगा? चंदन सिंह कोई विषय नहीं है, वो चंदन सिंह से क्या द्वंद्व करेंगे हम, चंदन सिंह हमारे रेंज का आदमी नहीं है जो द्वंद्व करें, हम वो हल्का व्यक्ति है उससे क्या द्वंद्व करेंगे, और जो होना हो कोर्ट पर देखेंगे। ओके,
फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।